नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चुनावी दौर है, ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशियों का नामांकन और जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं, और इसी वोट की अपील के लिए कई स्टार प्रचारक भी उतरे हुए हैं और जनता के बीच जाके अपनी अपनी पार्टियों के बारे में और अपनी पार्टियों की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। तो वहीं कई स्टार प्रचारक हैं और जिनमें से आज हमारे साथ आगरा से सपा उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे, देवेंद्र सिंह यादव जी, जो कि बताएंगे कि सपा की क्या नीतियां हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेके जा रहे हैं जनता के बीच। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ इस प्राइम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सपा कौन कौन सी नीतियों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में नौजवानों के मुद्दों को लेके, किसानों को मुद्दों को लेके, बेरोजगारी के मुद्दों को लेके और जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है उसको लेके पूरी तरह से हम लोग मैदान में हैं। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जो भी सरकार की, वर्तमान सरकार की विफलताएँ हैं उनको जनता के सामने उजागर कर रही है और उस जनता के लिए लगातार लड़ रही है जिनमें सरकार कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों पर फेल हुई है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे सरकार को आप फेल मानते हैं? सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है जिसको सरकार बार बार अपने बाहें बघार रही है। इसमें सबसे एनसीआरबी के डाटा कहते हैं कि वो पूरे स्टैटिक्स में जो भी देखा जाए उत्तर प्रदेश पूरी तरह पिछड़ चुका है लॉ एंड ऑर्डर में। रेप ऑलमोस्ट 40% इस स्टेट में ज़्यादा हुए हैं। रियोट्स में भी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश आगे आया है और ये हमेशा पब्लिक में जाके पता नहीं कौन सा बुलडोजर है, कौन सा क्या है, जिसे सिर्फ समाजवादियों को एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो प्रॉस्पेरिटी और एक खुशहाली इस प्रदेश में लाने की बात करते हैं उनको अजीबोगरीब बातों से ये लोग डराना चाहते हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता और हम लोग इनको इसी मुद्दों पे घेर रहे हैं जिसके लिए कह रहे हैं हमसे कि लॉ एंड ऑर्डर में हम बहुत अच्छा कर, लॉ एंड ऑर्डर पे फेल है आपका स्टैटिक्स कहता है जी। और सरकार के आए हुए डाटाज ये हमें बता रहे हैं कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पूरे हर चीज में फेल है। चाहे आप कोई भी आंकड़ा उठा के सरकार का देख लें, हर मुद्दे पे सरकार फेल है। चाहे आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आप आंकड़ों के साथ बैठे हैं जी, लेकिन जो सरकार है इस वक्त की मौजूदा सरकार वो तो दावे कर रही है कि पहले के सरकारों में गुंडा राज हुआ करता था, अब जो है गुंडा राज कम हो गया है, अपराधियों पे लगाम लगा दी, अपराधियों का पलायन हो रहा है। आप रिकॉर्ड्स में किस चीजों को साक्ष्य मानते हैं जी? जो सरकार डाटा देती है, जो स्टैटिकल डाटाज हमें ऑथराइज्ड गवर्नमेंट की एजेंसियों से मिलते हैं हम उन्हीं को साक्ष्य मानते हैं जी। तो एनसीआरबी का जो डाटा है जो लास्ट टाइम अभी आया उसमें पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश ने हर तरह के क्राइम में इम्प्रूवमेंट किया है, हर तरह के क्राइम में लगभग 30-40% का एनहांसमेंट हुआ है। आप इसको झुटलाएंगे? सरकार इसको झुटलाएगी? क्या सरकार से जुड़े हुए लोग इसको झुटलाएंगे? तो ये तो ना सरासर इनकी बेईमानी है, ना इंसाफी। ये मंचों से कुछ भी कहते रहे, कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जनता इनका पूरा जो पुलिंदा है उनको पकड़ा के और पूरी तरह से पैकअप करा के इस बार इनको पहले से ही प्लान करा दिया है। और इनका पलायन जो सरकार की नुमाइंदगी हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, उनका पलायन ऑलरेडी ही जनता ने करने से पहले वो खुद ही पलायन कर गए हैं और जाके गोरखपुर की शरण उन्होंने ले ली है, गोरखनाथ महाराज की, और वो वहाँ जाके अपने जो पुराने व्यक्तिगत काम थे उनको निभाएंगे और बाकी सरकार चलाने का काम तो जो सरकार की रणनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े उतरेंगे। पिछली बार भी खड़े उतरे थे, इस बार भी माननीय अखिलेश यादव साहब लगातार विकास के मुद्दों पर बात करते रहे जी। और उनके काम आज भी बोल रहे हैं, मैं जिस शहर में बैठा हूं उस शहर में ही मैं आपको इतने सारे काम गिना सकता हूं जी। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम बहुत ज्यादा आगरा में पिछली टाइम सीटें नहीं ला पाए थे और कोई सीट हमारे पास नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ इतने काम किए कि हम लोग आज यहाँ इस शहर में रह के और इसके आसपास में रह के बहुत सारे काम आपको गिना सकते हैं, जो आगरा से लखनऊ का जोड़ने का काम हो,
पेरिफेरल इसके इनर रिंग रोड चारों तरफ बन रहा है वो काम हो, और भी यहाँ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको भी आपको गिना दूंगा, लेकिन सरकार के लोग और सरकार की नुमाइंदगी करने वाले लोग इस ब्रज क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं बता सकते और स्पेशली आगरा में कोई काम नहीं बता सकते। देवेंद्र जी, आगरा में 9 विधानसभा है, काम के लिए जाने जी, आगरा में 9 विधानसभा है, इनका हाल कैसा है इस वक्त? इस बार 9 विधानसभाओं पे, पिछली बार ये 9 की 9 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इस बार पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ है, चाहे वो बाहर से लेके फतेहपुर सीकरी तक हो। और जो भी आप तो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे आंकड़े आपके पास आते होंगे, और हर तरह से पूरी 9 की 9 विधानसभाओं पे भाजपा पिछड़ रही है और समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल लगातार अग्रसर हो रहे हैं और जीत की तरह पूरी तरह आश्वस्त है। हम पूरी ताकत के साथ यहाँ जीत के दिखाएंगे इस बार, और समाजवादी पार्टी एक बेहतर गवर्नमेंट अगले आने वाले गठबंधन के साथ 2022 में 10 मार्च के बाद देगी। देवेंद्र जी, आपने कहा कि 9 की 9 विधानसभा में सपा की सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है, तो क्या 5 सालों में कोई भी काम नहीं किया गया है, विकास से जुड़ा हो, शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ा हो, क्या कोई काम नहीं किया गया है जो कि एक भी विधानसभा जीत पाए कोई अन्य पार्टी? बिल्कुल निश्चित, आप सर्वे करा लें, आप जान लें, आगरा में कोई एक बड़ा काम ये बीजेपी वाले लोग और सरकार के लोग कहीं गिना नहीं सकते। किसी भी विधानसभा में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं गिरा सकते। हेल्थ सेक्टर में यही आगरा है जहां पर 26-27 लोगों को मॉक ड्रिल में मार दिया गया था, तमाम लोगों को यहां ऑक्सीजन की कमी के कारण सड़कों पर मरना पड़ा, हॉस्पिटल्स में मरना पड़ा, सरेआम बैंकों में डकैतियाँ पड़ी, उनका कुछ हो नहीं पाया। आए दिन यहाँ बराबर एक बाल्मीक समाज के लड़के को पुलिस उठाती है और उसको थाने में रखे उसकी इतनी पिटाई करती है कि वो मर जाता है। एक लड़की मलपुरा में जिसको जला दिया गया सरेरा, उस पर मतलब आग लगा के, और हाथरस बराबर में है वहाँ बाल्मीक समाज की बेटी के साथ लगातार रेप। तो आगरा में 9 की 9 विधानसभाओं में कोई, यहाँ पे 9 इनके सांसद हैं, एक इनका मेयर है, 2 इनके सांसद हैं यहाँ से, और 9 किसी भी उसमें कॉन्सेप्ट में ये एक भी कोई बड़ा काम जी। ये मेट्रो का काम गिनाते हैं, मेट्रो पिछली सरकार का माननीय अखिलेश यादव साहब की सरकार जब समाजवादी की रही उसमें इसका डीपी तैयार हुआ, उसके टाइम पे इसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ, इन लोगों ने तो आके बस उसमें अपना हाथ लगाया है और इसको वो अपना काम गिना रहे हैं। और भावी यहाँ बड़े जो काम है, छत्रपति शिवाजी जिसका नाम इन्होंने मुगल म्यूजियम का बदल दिया है, वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब की सरकार में बना हुआ काम है। ताजमहल का ब्यूटिफिकेशन उन्हीं की देन है, ताजमहल के परिसर के चारों तरफ जो बड़े काम हुए वो उनकी देन है, यहाँ इनर रिंग रोड से जुड़े काम है वो बड़े देन है, एक रिवर फ्रंट वो यहाँ बनाने वाले थे लेकिन दुर्भाग्य से सरकार चली गई, एक यहाँ इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनके दिमाग में फतेहाबाद रोड पे था, यहाँ से जहाँ मैं बैठा हूँ उसके सामने से जो ताजमहल को लिंक करता हुआ लोगों को एक नाइट आउट के लिए समय देता, वो भी यहाँ है। यहाँ किसान परेशान है, सब नौजवान परेशान है, आप कभी मीडिया वाले लोग निकले देखें किसान किस तरह से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, किस तरह से पूरी पूरी रात जगा के वो अपनी फसलों को बचा पा रहे हैं, तो बुरा हाल है पूरे प्रदेश का और स्पेशली ब्रज क्षेत्र का भी और पूरे प्रदेश का हर जगह। देवेंद्र जी, रोजगार के मुद्दे को लगातार बीजेपी उठाती रहती है और कहती है कि सपा की सरकार में 1 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं दिए गए, लेकिन बीजेपी की सरकार में 4.5 लाख से ज्यादा रोजगार दिए गए 4.5 साल में, क्या कहेंगे इस पे? अगर आपकी सरकार आती है तो आप कितने रोजगार देंगे? अगर देखिए, हमने तो पिछली बार भी लोग रोजगार दिए, 69,000 जो शिक्षक भर्ती है बताते हैं वो हमारे टाइम की थी, 1,75,000 शिक्षा मित्रों को हम लोगों ने परमानेंट किया था, समाजवादी सरकार ने परमानेंट किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने परमानेंट किया था, उनको हटाने का काम, उन्हें बेरोजगार करने का काम इन लोगों ने किया। और रही बात इसकी कि इन्होंने इतना एम्प्लॉयमेंट दिया है, ये सरकारी डाटाज कहते हैं कि इस बार जो पूरे 4 साल में उत्तर प्रदेश में जो इंक्रीमेंट हुआ है इन अनएम्प्लॉयमेंट में वो लगभग 5% पहुंच चुका है, जो पिछली सरकार में कहीं जाके बहुत नीचा था वो अब ये सरकार में 5% लगभग बढ़ा, लगभग 2.5% और मतलब 2.2% की बढ़ोतरी हुई है। तो कहाँ इन्होंने इम्प्लॉयमेंट दिया है, यूथ बेरोजगार घूम रहा है, और
बाकी गर्ल्स सेफ्टी की कोई बात ये करते नहीं है, गर्ल्स परेशान है। इनके मुख्यमंत्री और इनके गृह मंत्री कहते हैं कि रात में 12 बजे महिलाएं जा सकती हैं, निकल सकती हैं बहन बेटियां, और यहाँ 12-12 बजे तो छोड़िए, दिन में एक बेटी यहाँ आगरा में एग्जाम देने आई थी और वो यहाँ से अपने एग्जाम सेंटर से निकली और उसका मथुरा तक ले जाने में लाने में उसका रेप कर दिया गया। जी आप कह रहे हैं कि आप 11 बजे यहाँ 12 बजे बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं, कौन सा आपका प्लानिंग कह रहा है कि जिसमें सरेआम बेटियों के साथ नाइंसाफियां लगातार हो रही है, और आप कहते हैं पता नहीं कौन सी दूरमीन लेके माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, कौन सी दूरमीन लेके मुख्यमंत्री जी गोरखपुर चले गए हैं, पता ही नहीं उनको कुछ दिखा ही नहीं इसलिए गोरखपुर चले गए। तो किसी भी फ्रंट पे सरकार सफल है नहीं, और हमें नहीं लगता है कि ये लोगों को समझाने में इस बार कामयाब हो पाएंगे। देवेंद्र जी, इस बार किसानों का मुद्दा भी जोर शोर से उठ रहा है, और जिस तरह से 3 नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, सपा ने अपना एक अहम योगदान दिया था, किसानों को समर्थन दिया था, और जो किसानों का मुद्दा है उसको लेकर कितना काम करेगी जब सपा अगर सरकार में आती है तो, और जिस तरह से अपना समर्थन दे रही है किसानों को, तो कितना समर्थन किसानों का प्राप्त होगा सपा को? देखिए, समाजवादी पार्टी जानी ही किसानों के हित से जानी जाती है। समाजवादी पार्टी के आदरणीय संरक्षक जी और संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र कहे जाते हैं और किसानों के नेता कहे जाते हैं, मसीहा कहे जाते हैं जी। किसानों की बात पर समाजवादी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ थी, किसानों के हक में थी और किसानों के हर मुद्दे पर उनके साथ खड़ी थी, और लगातार हम सब लोगों ने भी जब जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ हमने किसानों के समर्थन में जो भी आंदोलन बड़े से बड़े हमें करने पड़े वो भी हमने किए, घेराव करने पड़े वो भी हमने किए। और रही बात इनके कृषि कानूनों की, अगर मैं तो इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार की नुमाइंदगी करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर किसान कानून खराब थे तो आप लाए क्यों, और अगर वो खराब नहीं थे तो फिर इस मतलब इतने ही खराब थे तो ये वापस क्यों किए गए जी? पहले तो आपने लाखों रुपए करोड़ों रुपए का धन इस पे इस बात पे व्यय किया कि ये बहुत अच्छे कानून किसानों के फेवर में आए हैं, उसके बाद फिर आपने ये एक साल 700 लोगों को मर जाने के बाद उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों ने देखा कि एक जीता जागता एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में जो सेंटर के गृह राज्य मंत्री हैं उनका बेटा सरेआम, ये CBI की रिपोर्ट भी प्रूव कर चुकी है कि ये इंटेंशनल मर्डर थे, इसमें इंटेंशनली उनको टारगेट किया गया था, वो किसानों पे आपने सरेआम जीपें चढ़ा दी, गाड़ियां चढ़ा दी, और फिर आपने वो किसान कान जब आप फंस गए तो आपने किसान कानून वापस ले, 700-800 लोगों के मतलब परिवार, किसान परिवारों के मुखिया चले गए, उनके अपने बेचारे दिल के अजीज चले गए, उसके बाद आपको याद आया कि नहीं किसान कानून खराब है अब हम इसको वापस ले लें, आप डर गए, आप किसानों से डर गए, आप उठते हुए आंदोलन से डर गए, इसलिए आपको बैकफुट पे आना पड़ा, और अब आप कोई भी वादा किसानों से करें या कोई भी झूठा वादा किसानों से करें, किसान किसी भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं, किसानों को ने पहचान लिया है, ना आप MSP दे पाए उनको, ना उनकी जान की सुरक्षा कर पाए, ना उनकी फसलों की सुरक्षा कर पाए, ना वो आज अपनी फसलें बचा पा रहे हैं, ना गाय भैंसों से बचा पा रहे हैं, जो सांड घूम रहे हैं पूरे रोडों पर, एक्सीडेंट कर रहे हैं, खेतों को उजाड़े दे रहे हैं, कभी किसानों का दर्द इस सरकार ने जाना नहीं। और कल बजट आया उसमें ही आप देखिए किसानों को हित की कौन सी बात की गई है, ये किसान को क्या आपने बिल्कुल इस तरह से समझ लिया है कि आप चंद पैसे उनको दे देंगे उससे उनका जीवन यापन, उनके लिए आपको सुदृढ़ कंसोलिडेटेड कुछ योजनाएं बनानी पड़ेंगी जिसपे वो अपना जीवन यापन कर सकें और अपने आप को प्रॉस्पेरस कर सकें। देवेंद्र जी, सपा RLD के गठबंधन को किस तरह देखते हैं, क्या जयंत चौधरी का चेहरा किसानों और जाट का जो समर्थन है वो लाने में और उत्तर प्रदेश की सत्ता दिलाने में कामयाब होगा? नहीं, डेफिनेटली वो उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिस परिवार को हमेशा किसानों का हितैषी और किसानों का मसीहा माना गया है जी। उनके दादाजी चौधरी चरण सिंह साहब वो हमेशा किसानों के मसीहा माने गए, और इसी प्रदेश में नहीं पूरे देश में उसने किसानों का नेता माना गया, किसान की आवाज बुलंद करने के लिए वो अपनी लाठी लेके कहीं भी निकल जाते थे। उनके पिताजी चौधरी चरण सिंह साहब जो मतलब चौधरी छोटे चौधरी साहब जो अभी हम लोगों के बीच में नहीं है वो भी किसानों के लिए जाने गए। आज जयंत चौधरी साहब ने वो वीड़ा उठाया है और डेफिनेटली वो एक पढ़े लिखे युवा हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और वो दोनों ही एक अच्छी सोच के इंसान हैं और दोनों ही किसानों के पुत्र हैं,
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गठबंधन किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, माता बहनों के लिए और जो भी इस देश की प्रॉस्पेरिटी में बहुत अच्छा है, ये दोनों लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों यूथ हैं, दोनों एक विजनरी सोच रखते हैं, पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव सोच रखते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कहते हैं कि वो एक सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, एक पॉजिटिव राजनीति करते हैं, और वो इस मैं बिलीव भी करते हैं कि यूथ हमेशा प्रॉस्पेरस सोचे, पॉजिटिव सोचे और अपने एम को लेके आगे बढ़े, और बीजेपी हमेशा नेगेटिव और जो भी उनकी नकारात्मक पॉलिटिक्स है वो लगातार फैला रहे हैं, बंटवारे की हो, चाहे द्वेष भावना की हो, लोगों को बांटने की हो, इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहते हैं। विकास का मुद्दा आज भी इनके पास नहीं है, कोई जेन्युइन मुद्दे पे ये बात नहीं कर पाते हैं। इनके पास कोई भी उत्तर प्रदेश का आज भी रोड मैप नहीं है, सिर्फ बुलडोजर और बाकी बंदूकें दिखा के और ठाए ठाए करके ये पूरे देश को और प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं, यूथ को गुमराह कर दिया है। यूथ अब समझ गया है कि अब जो कुछ होना है वो एक प्रोस्पेक्टिव और जो भी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है उसी से इस देश का भला हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है गठबंधन के दोनों नेता और भी गठबंधन के सभी साथी बहुत प्रोस्पेक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक हैं। हम सब यूथ और हम सब लोग उनके साथ पूरी ताकत से लगे हुए हैं उनके विजन को सफल कराने में। और जब 2-10 मार्च के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार अपना ग्रहण पद ग्रहण करेगी और सत्ता में आएगी तो प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली पूरे प्रदेश में आएगी और ये जीता जागता आपके सामने भी एक जी देवेंद्र जी, कल आगरा में सपा मुखिया अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो उनके आने का कितना प्रभाव पड़ेगा जनता पे? नो डाउट वो एक विजन के साथ आगरा में आ रहे हैं और आगरा से उनका बहुत अच्छा जुड़ाव हमेशा से रहा है और पहले भी लगातार जब हम लोगों के पास सीटें नहीं रही हैं तब भी वो आगरा को बहुत कुछ देते रहे और आगरा में लगातार आते रहे और जनता इस बात को मान रही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे तब उन्होंने बगैर जनता से बहुत ज़्यादा कुछ किए, उन्होंने कुछ नहीं दिया लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ आगरा को दिया। अब वो मान चुके हैं कि उन्हें वापस में उनको ये सीटें जिता के अखिलेश यादव साहब को देनी है, समाजवादी सरकार बनवानी है, तो वो आएंगे तो जिस विधानसभा के अलावा जिन विधानसभाओं में वो नहीं भी जा पाएंगे उस पर उनका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि दोनों एक विजनरी सोच है और उनके नाम से लोग वोट कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नाम से और जयंत चौधरी साहब के नाम से, यहाँ लोग युवा पूरी तरह से उनसे जुड़ा हुआ है और उनके नाम पे भरपूर वोट करेगा और लगभग हम सारी सीटें जीत के इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और गठबंधन को हम देंगे, ये हमारा उनसे दृढ़ संकल्प है और हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे इस बार। जी यानी देवेंद्र जी, इस बार अगर सपा की सरकार आती है तो आगरा और साथ ही प्रदेश की तस्वीर बदली जाएगी, विकास के काम किए जाएंगे, क्या इन्हीं मुद्दों की वजह से जनता अपना समर्थन देगी सपा को? नो डाउट, बिल्कुल 100% ये 100% आप ये मान लीजिए कि पिछली सरकार में भी जब अखिलेश यादव जी 12 से 17 के बीच में यहाँ रहे तब उन्होंने पूरे प्रदेश का रोड मैप बदला, पूरे प्रदेश का एक खुशहाली का रोड मैप तैयार किया। चाहे आगरा में आप ले लें, जो 7-8 घंटे की जर्नी होती थी उसको उन्होंने 3 घंटे में कन्वर्ट किया, एक ऐसा वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे उन्होंने बना के दिया, आगरा की कनेक्टिविटी को प्रॉपर किया, टूरिज्म के लिए आगरा में उन्होंने इतना बेहतर आयाम दिए और आने वाले समय में युवाओं के लिए उनके पास बहुत सारे आयाम हैं, चाहे लैपटॉप देने का योजना फिर से शुरू करनी हो, स्मार्टफोन देने की हो, विधवा पेंशन योजना शुरू करने की हो, किसानों से जुड़ी योजनाएं शुरू करने की हो, फ्री बिजली देने की हो, किसानों को मुफ्त सिंचाई देने की हो, तो डेफिनेटली जब आप किसी का थोड़ा सा दर्द समझेंगे, उसका थोड़ा दर्द कम करेंगे तो वो खुशहाल होगा और खुशहाल होके वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा तो परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा तो खुशहाली तो आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ खुशहाली होगी और एक बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश निखर के आएगा जो कहीं पिछली 5 साल में पिछड़ गया है और जो काम रुक गए थे विकास वाले और गति वाले वो फिर दोबारा गति 2022 10 मार्च के बाद पकड़ेंगे। और हम पूरी उम्मीद के साथ ये वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से और बाकी माध्यमों से कि अखिलेश यादव साहब जब सत्ता में आएंगे तो जो विकास के काम इस उत्तर प्रदेश के लिए रुक गए थे और रह गए हैं वो सब पूरे होंगे, जनता खुशहाल होगी और चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल होगा। देवेंद्र जी, वादा तो कर लिया आपने विकास का और बदलाव का, क्या कोई संदेश भी देना चाहेंगे जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, ये फर्स्ट फेज का मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा कि फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और आगरा में भी फर्स्ट फेज का इलेक्शन है। मैं आप सच आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे मतदाता हैं, जो भी हमारे साथी हैं, उन सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस बार एक अच्छी सोच, प्रोस्पेक्टिव राजनीति वाले लोग, पॉजिटिव सोच वाले लोग और महागठबंधन जो बना है ये नई सोच के साथ और नए जोश के साथ, नई सपा है, नई हवा है, इस सब में आप लोग समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट दें, जिससे कि हम सब लोग मिलके आगे जो काम रुक गए थे विकास के उनको आगे बढ़ाएं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 10 मार्च को लखनऊ की गद्दी पर बैठाएं। सब लोगों से मेरा यही अपील और विनती है कि आप सब लोग समाजवादी पार्टी और गठबंधन का समर्थन करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्राइम चर्चा करने के लिए। आज हमारे साथ प्राइम चर्चा में आगरा से सपा उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह यादव जी जुड़े थे, जिन्होंने सपा की नीतियों के बारे में बताया और बताया कि वो जब जीत कर आएंगे, एक बार जब फिर सपा आएगी तो विकास का कार्य किया जाएगा और वो चाहे गरीब हो या फिर किसान हो, सभी के हितों में काम किया जाएगा। फिलहाल आज की प्राइम चर्चा में इतना ही, जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।